बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत हदीस पेश करूंगी जो आपको यकीनन पसंद आएगी। हजरत उनसे रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान कोई पौधा या खेती बोता है और इससे कोई परिंदा या इंसान खाता है वो इसके लिए सदका बन जाती है। मतलब ये कि जो कोई इंसान इस दरख्त से फ़ायदा उठाएगा इसका सवाब इसको मुसलसल मिलता रहेगा और वो इसके लिए सदका बन जाएगी। आज दुनिया में भी इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ आलूदगी का जो जहर आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है इससे इंसानी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इसकी वजह दरख्तों और पौधों की कटाई है। अगर आप गौर करें तो शहरों के नस्बत देहात की फ़िज़ा ज़्यादा खुशगवार और हवा फ्रेश होती है। दरख्त निगाहों पर भी खुशगवार असरात के अलावा तबीयत पर भी खुशगवार तासर छोड़ते हैं। दरख्त माँ की तरह होती है जो खुद धूप में जल कर दूसरों को आराम सुकून फरहम करती है, और जिस किसी ने दरख्त लगाया और इस दुनिया से चला गया तो इसकी लगाई हुई दरख्त से लोगों ने फल खाए और इसके छाँव से तस्कीन हासिल की, ये इस शख्स के लिए सदका बन जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे दी गई हुई सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।